नमस्कार, मैं हूँ जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। पूरे भारत में कोरोना वायरस की वजह से सभी शिक्षा संस्थान बंद हैं, जिसकी वजह से स्कूल के विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए प्रदेश सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा देने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को घर पर ही शिक्षा दी जा रही है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश शहडोल जिले में भी शिक्षक घर घर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह की पढ़ाई से जिले के छात्र काफ़ी खुश हैं और उनका मनोबल भी बढ़ रहा है। इस अभियान के तहत गांव में चुनिंदा घरों में शाला का चयन किया जा रहा है। इसकी तहत एक घर का चयन किया जाएगा और वहां पर आसपास के कुछ बच्चों को एकत्रित होंगे, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। साथ ही व्यक्तिगत सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा और मास्क पहनकर ही शिक्षण का कार्य करवाया जाएगा। इस अभियान के पीछे का मकसद यह है कि बच्चों को किसी तरह से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखा जाए। लगातार 4 महीने से बच्चे स्कूल से दूर थे, अब करीब 120 दिन बाद बच्चों को स्कूल जैसी व्यवस्था से जुड़ने का मौका मिला है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार द्वारा यह अच्छी कोशिश है और इसमें हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावकों ने कहा है कि शिक्षकों ने हमको किताब उपलब्ध करा दी है, अब बच्चों को हमें घर पर ही पढ़ाना है। बच्चों को मोबाइल से पढ़ाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल संभव नहीं था। जिन लोगों के पास मोबाइल था तो उनको कई तरह की तकनीकी दिक्कतों के कारण मोबाइल चलाना नहीं आ रहा था। ऐसे में यह एक अच्छा प्रयोग किया गया है। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार। रोज हमारे यहाँ एक एक टीचर आते हैं और हमें पढ़ा कर जाते हैं। क्या सुविधा हो रही है इससे आपको? हमें इससे पढ़ाई की सुविधा हो रही है। नाम क्या है आपका? नाम राहुल पंचा कक्षा चौथी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? शासकीय प्राथमिक पाठशाला चाचा निकट कोनी। इस COVID-19 महामारी के तारतम्य में हमारे राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ये डिजिलैब कार्यक्रम चलाया गया है और इसकी एक साप्ताहिक समय सारणी भी हम लोगों को भेजी गई है, और उस साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार जो है प्रतिदिन उसमें जो है कंटेंट भेजा जाता है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, और उसी कंटेंट के आधार पे हम लोगों को आदेशित किया गया है कि मतलब एक दिन में आप लोग लगभग 5 बच्चों से संपर्क करिए, या तो घर जा कर के या फ़ोन के माध्यम से, और उनको घर में जा कर के पढ़ाइए, क्योंकि इस कोरोना काल में विद्यालय तो खुलेगा नहीं अभी फिलहाल, ऐसा करके आदेशित किया गया है। इसलिए बच्चों की पढ़ाई ना रुके और आप लोग जो है बच्चों को पढ़ाइए। आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं घर घर? हम घर घर जाके हो गए, जो कंटेंट आता है उसी के आधार पे बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनको जो कठिनाई आती है उस कठिनाई के आधार पर उनकी हम समस्या को सॉल्व करते हैं कि बच्चों को पढ़ने में कहाँ पर कठिनाई आती है। नाम जी, मैं सुरेश कुशवाहा, शासकीय प्राथमिक पाठशाला चाचा नेहरू कटकोनी, और मेरा निवास तो ऐसे शहडोल है, लेकिन मैं प्रभारी प्रधान अध्यापक हूँ वहाँ पर। जी, कोरोना काल संक्रमण के कारण बच्चों की पढ़ाई में नुकसान ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में, हमारे जिले के कमिश्नर और कलेक्टर तथा सीओ साहब के मार्गदर्शन में, यहाँ जो है जिले में कोरोना लॉकडाउन लागू किया गया, और लॉकडाउन के साथ साथ जो है हमारे यहाँ आपको विधि थी है कि हमारा घर हमारा विद्यालय प्रारंभ हुआ। पहले वो डिजिटल एजुकेशन के रूप में प्रारंभ हुआ था, अब हमारा घर हमारा विद्यालय के रूप में वो चल रहा है। उसमें ये है कि 11 से जो सुबह जो है 10 से 11 तक जो है बच्चों को डिजिटल एजुकेशन, और 11 से 12 तक जो है वो रेडियो प्रोग्राम है, 12 से 1 बजे तक जो है वो अभ्यास कराना है, पुस्तकों से पढ़ाना है। यहाँ पर शिक्षकों ने ये किया कि पूरे अभ्यास पुस्तक जो पिछले साल के उन्हें हमने वितरण कराया, इसके बाद जो हमारे पास नई अभ्यास पुस्तक है उनको वितरण कराया, पुस्तक वितरण कराया, और अब मतलब हर हाल में हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि जिनके पास एंड्रॉइड फोन है उनको एंड्रॉइड फोन से डिजिटली पे एजुकेशन दिया जाए। जैसे यहाँ पर करीब 22 से 23 लाख बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन है, बाकी बच्चों के पास जो 87 हज़ार करीब बच्चे हैं उनको ग्रुप एजुकेशन में जोड़ा गया। ग्रुप एजुकेशन मतलब जहाँ पर एक आदमी के पास किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, किसी टीचर के पास, किसी भी गाँव के जैसे आप लोग भी हैं संभ्रांत नागरिक हैं उनके पास है, वो जोड़ करके 6 से 7 बच्चों को पढ़ाता है सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। तो इस तरह से डिजिटली पे एजुकेशन हमारा घर हमारा विद्यालय प्रारंभ किया गया, अभी होमवर्क है। अभी आपको ये बता दूं कि जुलाई और अगस्त के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने डे टू डे कार्यक्रम पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया है, समय चक्र निर्धारित कर दिया है क्लास वाइज, तो उसके आधार पर शिक्षक जो है जा के पढ़ा रहे हैं, और प्रत्येक शिक्षक को कम से कम 10 बच्चे से, 5 एंड्रॉइड फोन वाले को, 5 जनरल बच्चे को जाकर के गाइड करना है, वो इस जिले में जो है टीचर्स कर रहे हैं, और इस तरह से जो है हमारा एजुकेशन जो है
लॉकडाउन समय। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि लॉकडाउन में भी मदद मिली है, बच्चे बाहर नहीं घूम रहे थे, और हमारा जो ये है कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी वो कॉन्सेप्ट भी पूरा हो रहा है। बच्चे जो है घर में रह करके पूरा अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, उनके पढ़ाई का लॉस नहीं हो रहा है। आप सबको पता है कि 3 माह करीब हो गया है, वह काफी नुकसान हो जाता है, लेकिन अब इसमें कोई भी पढ़ाई का लॉस नहीं हो रहा है। बच्चे जो है विधिवत अब जो है अपना अध्ययन अध्यापन कार्य कर रहे हैं और शिक्षक उसमें घर जिले में कितने विद्यालय हैं? जिले में 2123 विद्यालय हैं पूरे प्राथमिक और माध्यमिक को मिला के, और उनमें सभी जगह जो है हमारे जो टीचर्स हैं वो जाकर के बच्चे चूंकि घर में हैं, घरों में जा जाकर के बच्चे उनको अध्ययन अध्यापन कार्य करा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं कमजोर बच्चों को। इसमें एक चीज और किया गया है कि हमने बेसलाइन टेस्ट भी लिया है। बेसलाइन टेस्ट मतलब पिछले साल का जो टेस्ट था इनलाइन, उसको बेसलाइन माना है। उसके आधार पर भी जो कमजोर बच्चे हैं उनको शिक्षक घर में जाके बताते हैं, जो बच्चे थोड़ा होशियार हैं उन बच्चों को जो है हम लोग एंड्रॉइड फोन से या उनके पास फोन है इस तरह से कवर कर रहे हैं। इस तरह से 100% बच्चों को कवर करके जो है उनकी कमजोरियों को दूर करते हुए शैक्षणिक कार्य जो है जारी है।